नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। शिवहर ब्यूरो अरुण कुमार साह की रिपोर्ट। बेलवा बांध सुरक्षात्मक कार्य 15 मई तक पूर्ण कराएं डीएम। भू अर्जन लीज नीति के तहत भूधारियों को LPC उपलब्ध कराकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करें। जिला शिवहर जिला पदाधिकारी सज्जन राजशेखर ने आज बेलवा स्थित हेड रेगुलेटर निर्माण तथा बेलवा से देवापुर जिला पूर्वी चंपारण के 1.70 किलोमीटर गैप में तटबंध निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। पीआर एवं एवटूमेंस का निर्माण लगभग पूर्ण होने पर है। कार्यपालक अभियंता बागमती प्रमंडल विमल कुमार तथा कार्य के संवेदक द्वारा बताया गया कि रोड ब्रिज का कार्य जून 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, परंतु गैप भाग में तटबंध निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कार्यपालक अभियंता विमल कुमार द्वारा बताया गया कि तटबंध निर्माण का भू अर्जन नहीं हो पाया है, भू अर्जन स्थित नीति के तहत होना है। शिवहर जिला अंतर्गत कुल 12.08 एकड़ अर्जित की जाने वाली जमीन का वर्गीकरण दर निर्धारण आदि हो गया है, राशि भी उपलब्ध है। कार्यपालक अभियंता तथा अंचलाधिकारी पिप्राही को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र भूधारियों को LPC उपलब्ध कराकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर तटबंध निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। डीएम ने चंपारण जिले की भू अर्जन की स्थिति से संबंधित अद्यतन प्रगति के संबंध में कार्यपालक अभियंता से प्रतिवेदन की मांग भी की गई है। निरीक्षण के पश्चात जिलाधिकारी ने वाद 2021 के पूर्व कराए जा रहे कटाव निरोधक कार्य, बांध सुरक्षात्मक कार्य के तहत नरकटिया, बेलवा एवं दोस्तियां स्थल का निरीक्षण किया, जिसके कार्य 85-95% लगभग पूर्ण हो गया है, जानकारी दी गई है। सभी कार्य 15 मई 2021 तक पूर्ण होना है। कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित संवेदक को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय से पूर्व ही सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्ट के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें। सर, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य का जायजा लिया गया है। आज हम यहाँ बेलवा घाट और नरकटिया के सामने वाला बांध कारोबारी के स्ट्रक्चर को संबंध में हम निरीक्षण किए हैं। इसमें काफी काम बहुत तेजी से, इसके पहले हम जनवरी 4 या 5 बस में विजिट किए थे, उस दिन से आज से थोड़ा काम ज्यादा हुआ। यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि पानी, बाढ़ का पानी तो बेलवा घाट के सामने वाला बांध को तोड़ के उस तरफ नहीं आने का संभवतः नहीं होगा। जून तक खत्म वहाँ का काम पूरा होने का आश्वासन दिया भी है। और ऊपर अप्रोच रोड, एक रोड ब्रिज का भी काम पूरा हो जाएगा और इसके साथ साथ एक अप्रोच रोड भी वहाँ बनने के लिए RWD के तरफ बनने के संबंध में उसका भी आवश्यक कार्रवाई होता है। जहाँ लैंड का एक्विजिशन करना है, वो अर्जन करना है, इसके संबंध में कार्रवाई हो रहा है। और नरकटिया के साथ बगल में यहाँ भी एक बांध का स्ट्रक्चर, यहाँ से मुखियाड़ी के तरफ जाना है, उसके संबंध में दिया है। इन लोगों का जैसे हो बताया वहाँ भी उन लोगों का पैसा भी तुरंत मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम